नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं गौरव सावंत। भारत इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और इसी को लेकर अलग अलग शहरों में अलग अलग बैठकें भी हो रही हैं। मई के महीने में एक बैठक जम्मू और कश्मीर में आयोजित होगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए 20 देशों के प्रतिनिधि जम्मू और कश्मीर पहुंचेंगे। इस बैठक को लेकर पाकिस्तान में बहुत बड़ी चिंता है। आपको मालूम ही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने हाल ही में भारत में जम्मू और कश्मीर में एक बड़े निवेश का ऐलान किया, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। भारत जम्मू और कश्मीर में विकास की कई परियोजनाएं शुरू कर रहा है। वहीं अगर पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में जो जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है उसकी बात करें तो वहां की जनता हाहाकार मचा रही है, चीत्कार है। वहां ना खाने को आटा है, ना पीने को पानी है। ये सोचिए, इतनी नदियां वहां से बहती हैं लेकिन पानी वहां की जनता को नहीं मिल पाता। ना यूनिवर्सिटी है, ना स्कूल है, ना नौकरियां हैं। और वहां की जो भूमि है, जो जमीन है, उस पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोगों का अवैध कब्जा है, चाहे वो सेना के हो या अधिकारियों के, अलग अलग अधिकारी हो। और ऐसी परिस्थिति में पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर की जो आवाम है, जो जनता है, वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ अब इस बात को मानने लगे हैं कि भारत में जिस तेजी से रफ्तार हो रहा है जम्मू और कश्मीर में, पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में उतनी ही तेजी से गिरावट आ रही है और पाकिस्तान भारत की बराबरी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास जब खाने को आटे के पैसे नहीं है तो वो पाक अधिकृत कश्मीर में सड़कें या ब्रिज कैसे बनाएगा। अब पाकिस्तानी मीडिया में एक बहस और शुरू हो गई है कि अगर जम्मू और कश्मीर की तरह पाक अधिकृत कश्मीर की आवाम भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गई तो पाकिस्तान की सेना और सरकार क्या कुछ कर पाएंगे वहां पर। इसी साल मई महीने में 20 बड़े देशों के नेता कश्मीर में इकट्ठा होने वाले हैं। जैसे ही ये खबर पाकिस्तान तक पहुंची, पाकिस्तान में बवाल हो गया। आपको बताएं तो भारत इस बार G20 समिट की मेजबानी कर रहा है और इसी को लेकर 20 देशों के मेहमान कश्मीर में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में हिस्सा लेंगे। आपको बताएं तो हाल ही में मुस्लिम देश UAE ने भी भारत के कश्मीर में बड़े निवेश का ऐलान किया था, जिसको लेकर भी पाकिस्तान में खूब हाय तौबा मची। कश्मीर में पाकिस्तान की लगातार सामने आती नाकामियों को देख अब लगता है कि बहुत जल्द पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर उनकी चंगुल से निकलने वाला है। हालातों को देखते हुए पाकिस्तानी विशेषज्ञ भी अब ठीक इसी तरह का अंदेशा लगा रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी बिजनेसमैन साजिद तरार ने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि भारत जिस तरीके से कश्मीर में विकास कर रहा है, पाकिस्तान के लिए उसकी बराबरी कर पाना नामुमकिन है। आपको बताएं तो अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी आम लोग पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ हो गए हैं। UK में लोग सड़कों पर उतरकर खुलेआम पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। UK के लोग भी भारत के कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तुलना कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के द्वारा जबरन कब्जा किए गए कश्मीर की जनता खाने पीने तक की चीजों के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के कश्मीर में रोज नई नई विकास की परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन साजिद तरार ने भी ठीक वही बातें कही जो हालात आजकल कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सरकार से सवाल किया कि जब POK के लोग दूसरी तरफ इतनी तेजी से विकास होता हुआ देखेंगे तो वहां जाने की ख्वाहिश करेंगे तो फिर सरकार उन्हें कैसे रोकेगी। आपको बताएं तो कश्मीर को लेकर भारत की रणनीति भी अब बड़ी कारगर साबित हो रही है। अब से कुछ साल पहले कई देश कश्मीर के खिलाफ खुलेआम बोलते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के लाख प्रयासों के बावजूद भी कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। कई मुस्लिम देश भी अब पाकिस्तान से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका इन दिनों नई नई मुसीबतों से लगातार घिरता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आने वाले समय में एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चीन के औपचारिक और आधिकारिक दौरे पर थे। ऐसे में उन्होंने अपने दौरे में अमेरिका को लेकर कुछ तीखे बयान दिए। इमैनुअल मैक्रों ने यह कहा कि अमेरिका ने यूरोप के देशों को ऐसे संकट में फंसा दिया है जिससे यूरोप का असल में कोई वास्ता नहीं है।
इतना ही नहीं, मैक्रोन ने चीन की जमीन पर अमेरिका को लेकर कुछ और इस तरह के बयान दिए जो आने वाले समय में अमेरिका के लिए और अमेरिका और यूरोप के संबंध को में जो गिरावट आ रही है उसकी तरफ इशारा करता है। मैक्रोन के इस बयान को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल जो बाइडेन की सरकार पर निशाना साधा है अमेरिका में, बल्कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति पर भी कुछ आरोप लगाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ अमेरिका नाटो में कई देशों को शामिल कर अपने खेमे को मजबूत करने का दावा करता है, लेकिन नाटो देश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के चीन दौरे के दौरान दिए गए एक बयान से भयंकर बवाल हो गया है। चीन की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान मैक्रों ने यूरोपियों को अमेरिकी विदेश नीति का गुलाम न बनने की चेतावनी दी है। बड़ी बात यह है कि इमैनुअल मैक्रों ने चीनी मंच पर खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयान दिया है। आपको बताएं तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों को वैसे संकटों में फंसाया है जिससे यूरोप के लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति के इस बयान से अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब यूरोपीय देशों का भरोसा अमेरिका के ऊपर से उठने लगा है। फ्रांस के राष्ट्रपति का चीन जाकर खुलेआम ऐसे बयानों के बड़े मायने हो सकते हैं जो भविष्य में बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। मैक्रों के चीन में दिए गए ऐसे बयानों से अब अमेरिका की चिंता भी बढ़ गई है, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर फ्रांस को रिझाने की कोशिश की है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन फ्रांस के साथ हमारे शानदार द्विपक्षीय संबंधों को लेकर सहज और आश्वस्त है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो मैक्रों के इस बयान को लेकर न केवल बाइडेन प्रशासन की आलोचना की बल्कि इमैनुअल मैक्रों पर भी जमकर निशाना साधा। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चीन में शी जिनपिंग के साथ मीटिंग कर रहे थे और उनकी चाटुकारिता कर रहे थे। आपको बताएं तो अमेरिका आने वाले समय में एक बड़े संकट में घिरने वाला है। ऐसी खबरें हैं कि ब्रिक्स देश अमेरिका के डॉलर की जगह अपनी खुद की एक करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। दुनिया के कुल इकोनॉमी के करीब 25% हिस्से पर इन देशों की हुकूमत है। चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसे में ब्रिक्स देशों के द्वारा अपनी मुद्रा लेकर आना अमेरिका से उसकी बादशाह छीनने की शुरुआत माना जा रहा है। स्वीडन की सरकार ने पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया है। ये फैसला पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा देगा। स्वीडन ने पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया। इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया स्वीडन ने। ऐसे में स्वीडन के इस फैसले से न केवल पाकिस्तान को व्यापार की दृष्टि से बल्कि शिक्षा हो या आर्थिक नुकसान हो वो जबरदस्त होगा, साथ ही साथ दुनिया भर में पाकिस्तान की गिरती हुई छवि और ज्यादा धूमिल होगी और ज्यादा खराब होगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों ही जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 7 दशकों में कट्टर इस्लामिक आतंकवाद का सहारा ही नहीं पाकिस्तान बना बल्कि उसका समर्थन किया, उसको पाल पोसकर आगे बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान अपनी इस बुरी हालत के लिए भारत को जिम्मेदार बताता है, क्योंकि पाकिस्तान अब भी असलियत से रूबरू नहीं होना चाहता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अगर ख्वाजा आसिफ की हम बात करें तो वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की कारिस्तानियों के लिए भी भारत को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को ट्रेनिंग, हथियार और शह लगातार पाकिस्तान की सेना ने ही दी, ठीक उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की सेना ने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों का साथ दिया लगातार। पाकिस्तान के लिए अचानक बड़ी बुरी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के आर्थिक और राजनीतिक हालात खराब हैं। आए दिन पाकिस्तान के कई इलाकों में एक के बाद एक आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो इस बीच स्वीडन की सरकार ने पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया है। ये फैसला पाकिस्तान की मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। स्वीडन ने देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है। उसने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। आपको बताएं तो स्वीडन के इस फैसले से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। दुनिया में पाकिस्तान की छवि को भी भयंकर नुकसान पहुंचा है। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान सन रह गया है और अब तक स्वीडन के इस फैसले पर पाकिस्तान की कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बंद से पहले एक नोटिस में दूतावास की तरफ से कहा गया है कि इस समय इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता कि आखिर इसे दोबारा खोला जाएगा या फिर नहीं। विशेषज्ञों की माने तो इससे पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक नुकसान भी होने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान और स्वीडन के बीच साल 1951 से राजनयिक संबंध है।
दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग के समझौते भी हुए हैं। साल 2019 में स्वीडन के विदेश मंत्री मार्गोट वॉलस्ट्रॉम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। बता दें कि बीते कुछ महीनों में ही पाकिस्तान पर सैकड़ों आतंकवादी हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान पर लगातार हो रहे हमलों की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन TTP ने ली है। आतंकियों द्वारा किए गए इन हमलों में पाकिस्तान के सैकड़ों आम नागरिक भी मारे गए हैं। ऐसे में हालातों को देख पाकिस्तान में जान की कोई गारंटी दिखाई नहीं देती। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अपनी नाकामियों का ठीकरा पाकिस्तान ने फिर एक बार भारत पर फोड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि भारत जैसे कुछ देश जिनके पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं है, वो अब TTP की मदद कर रहे हैं। आपको बताएं तो इससे पहले भी पाकिस्तान ने इसी तरह का आरोप भारत पर लगाया था, लेकिन उस वक्त TTP नहीं पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई थी। हमारा ये वीडियो और ये पेशकश आपको कैसे लगी, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें अपनी राय, अपना मत जरूर दीजिए। और देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और सब्सक्राइब कीजिए आज तक।